प्रसाद मौर्य प्रदेश भाजपा का मजबूत चेहरा जिसने अखिलेश यादव के चक्रव्यूह को भेदा। केशव प्रसाद मौर्य वो नाम है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भरोसा करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सिराधू विधानसभा सीट से चुनाव हार जाना न सिर्फ भाजपा को बल्कि अन्य दलों को चकित कर रहा है। मजबूत जनाधार वाले भाजपा के इस बड़े नेता ने 2017 में भाजपा को बंपर बहुमत से सत्ता में वापसी करवाई थी। 2022 में भी भाजपा की प्रचंड जीत में उनका योगदान कम नहीं है। भाजपा के नव निर्वाचित विधायकों को केशव के आवास पर तांता लगा हुआ है। क्या आम, क्या कार्यकर्ता, क्या विधायक, सब केशव जी को भाजपा की जीत की बधाई देने के साथ ही उनके साथ रहने का दावा कर रहे हैं। सिराथू की जनता भी अपने केशव के हार जाने से हतप्रभ है और भाजपा छोड़ कई दिग्गज नेता जब भाग रहे थे तब केशव मौर्य ने ही मोर्चा संभाला था। अखिलेश ने केशव के कारण ही करहल में मतदान तक कैंप किया और फिर अखिलेश ने केशव को हराने में अपनी पूरी ताकत को शामी में झोंकी। ये बात छन छन कर सामने आ रही है कि अखिलेश की मुहिम का साथ केशव के कुछ अपनों ने भी दिया। न्यूज नेटवर्क 24 की टीम ने पाया कि केशव मौर्य पूरे प्रदेश में संगठन के निर्देश अनुसार भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली और जनसभा में व्यस्त रहे। संगठन के निर्देश अनुसार सिराथू के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में लगातार प्रचार अभियान में शामिल रहे। यहां तक 27 फरवरी सिराथू में मतदान के दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बस्ती में जनसभा और वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शामिल हुए। नामांकन के बाद केशव अपने क्षेत्र को समय नहीं दे पाए। वो भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक रहे। उनके कंधों पर भाजपा संगठन ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार और जनसभाओं की बड़ी जिम्मेदारी दे डाली जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया। अमित शाह की माने तो केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर 400 सीटों का प्रचार का जिम्मा था। उन्होंने इसे बखूबी निभाया। यहां तक कि सिराथू में 27 फरवरी को मतदान के दिन वो अन्य प्रत्याशियों के प्रचार और जनसभा में व्यस्त रहे। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उन्होंने पूरा प्रदेश मत डाला। सिराथू में उनका काम समय दे पाने के कारण उनकी हार का कारण बना। केशव की हार में स्थानीय भाजपा संगठन का सहयोग न मिलने की चर्चा है। सिराथू में भाजपा के जनप्रतिनिधियों का सहयोग न मिलना और अपने लोगों को केशव के पक्ष में जुटा पाने की बात सामने आ रही है। स्थानीय संगठन ने केशव के चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। भाजपा संगठन के लोगों और भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी चुनाव के दौरान सहयोग नहीं मिला। जमीनी स्तर पर संगठन के नेताओं की सक्रिय न के बराबर